तो दोस्तों अभी मेरा कार्बोरेटर खुल चुका है और कार्बोरेटर की हालत देखो ये। तो अभी हमने इसके अंदर की सफाई करनी है। इसके अंदर एक नेट लगा रहता है और इसके अंदर एक पिन होता है, उसको साफ़ करना होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कार्बोरेटर, मैंने इसको भी पूरा खोल खाल के अलग कर दिया है और इसके अंदर के पार्ट्स हैं। बाकी ये है हमारा मेन चीज़, चोक में रख के चलाते हैं। हाँ ये हो गया चोक। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी बज रहे सुबह के करीब 8:30। सबसे पहले आप देखो मेरा खरगोश, ये है हमारा खरगोश। हेलो सर, ये खा के मोटा रखा है आजकल। तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बेकार है। रोज़ मैं कहता था अच्छा जा रहा है, बट आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मतलब पिछले कुछ दिनों से, मतलब 2-4 दिनों से ना, इतना ज़्यादा दिन ख़राब जा रहा है ना भैया। मेरी जो सभी मशीनें सभी ख़राब हो रखी है। मतलब घास काटने वाली मशीन में भी प्रॉब्लम आई थी, उसको भी मैं रिपेयर करने में लगा था 1-2 दिन में। और अभी जो है हमारा ट्रैक्टर, जो कि हमने मसूर बोने के लिए, खेत जोतने के लिए निकाला था हमने कल, तो मैंने चेक किया, उसका तो पूरा कार्बोरेटर ही ख़राब हो रखा है, जाम हो रखा है। कार्बोरेटर के अंदर ना कचरा फंस रखा है, तो उसको साफ़ करना था। बट उसका जो नीचे का नेट होता है ना, उसका जो रिंग होता है, वो पूरा घिस चुका है, वो नहीं खुल रहा है। चाबी लेके आ गया, दो चाबी, थैंक यू। तू अभी स्कूल जा रहा है? स्कूल को गुड यार। तो दोस्तों ये है हमारा ट्रैक्टर, बाकी मैंने इसको पूरा खोल के रखा है यहाँ पे। और ये है हमारा इसका कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर का ये वाला जो नेट है ना, ये नहीं खुल रहा है। मैंने सभी टूल्स अप्लाई कर लिए हैं, ये है इतने सारे जो टूल्स हैं हमारे, सभी मैंने अप्लाई कर दिए, बट ये खुल नहीं रहा है। इसका जो रिंग होता है ना, ये पूरा घिस चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी बैजनाथ जाकर इसमें वेल्ड कराएंगे हम, एक एक्स्ट्रा लोहा यहाँ पे वेल्ड करा के फिर इसको इसे घुमाएंगे तो खुल जाएगा। तो उसके बाद मैं इसमें नया नेट लगा लूँगा, बाकी इसके अंदर की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो मुझे जाना भी बच्चों को छोड़ने स्कूल, साथ ही साथ मैं इसका भी काम करवा लूँगा। हेलो सर, तेरा बेल्ट किधर है? बेल्ट? और तेरी टाई किधर है? बैग में क्यों रखी टाई? आधा उधर तैयार होके मत जाओ यार स्कूल को। बहुत बढ़िया, तू बेल्ट नहीं पहनना मन्नू, तू बेल्ट नहीं पहनता? अच्छा खो देता है। तो भैया स्कूटी ऑन कर रहे हैं। सेट नहीं ले रही यार, बैटरी प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ठीक ऑलवेज। अच्छा दिमाग लगाया था, मैं सोच रहा था सेल्फ से हो जाएगा, बट बैटरी की काम है। बैटरी चेंज करना है। तो दोस्तों अभी मेरा कार्बोरेटर खुल चुका है और कार्बोरेटर की हालत देखो ये। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो इसको अभी हमें साफ़ करना पड़ेगा। इसको तब तक पेट्रोल में दिखाते हैं और इसको देखो। तो अभी हमने इसके अंदर की सफाई करनी है। इसके अंदर एक नेट लगा रहता है और इसके अंदर एक पिन होता है, उसको साफ़ करना होता है। तो दोस्तों पिन निकल चुका है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कार्बोरेटर, मैंने इसको भी पूरा खोल खाल के अलग कर दिया है। अच्छा, और इसके अंदर के पार्ट्स हैं। बाकी ये है हमारा मेन चीज़, इसे हम मुरली भी बोल सकते हैं, मुरली, क्योंकि मुरली के शेप में है एक। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इसके जो ये होल दिख रहे हैं ना बीच में छोटे छोटे, इनमें जो है ये ब्लॉक हो जाते हैं गंदगी की वजह से, तो इन्हें क्लीन करना पड़ता है, जो कि मैंने अभी पेट्रोल की वजह से क्लीन कर लिया है। बाकी हमारा पेट्रोल का ढक्कन है, पेट्रोल ऑन ऑफ यहाँ पे रहता है, ये जैसे पेट्रोल को हम ऑन ऑफ करते हैं यहाँ पे। तो अभी ये हो रखा हमारा सबसे ज़्यादा गंदा, तो इसका नीचे का ढक्कन, कटोरी जिसे हम बोल सकते हैं, तो इसे हमें अभी साफ़ करना है। इसके लिए हम लाए हैं यहाँ पे ये चूना, जिससे कि हम बर्तन धोते हैं, तो इसे हम भी रगड़ रगड़ के इसे साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने इसे साफ़ कर लिया है। बाकी जो ये निशान है ना, ये पता नहीं किसकी वजह से हो रखे हैं, तो बाकी इसकी गंदगी मैंने सब साफ़ कर दी, बाकी निशान रह गया ये, तो चलो कोई बात नहीं। तो चलो दोस्तों अपने कार्बोरेटर को फिर से वैसे ही असेंबल कर देते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम इसका ऑयल का वाशर, ये गैस का ग्रिप,
इसको अच्छे से बैठाना है वरना एयर ले लेगा। और लगाएंगे इसके ऊपर एक कैप और इसको पूरा टाइट करना है। तो ये टाइट हो गया है। अभी हम लगाएंगे इसमें सबसे पहले मोटरली। तो मोटरली में जैसे ये है ना, इसका जो मोटा वाला हिस्सा है ये बाहर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ ये गैस के अंदर। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इसका नेट, ये जो नेट है इसके अंदर जाएगा ये गैस का नेट। अब हम इसके कस देंगे, ये हो गया टाइट। अब हमें लगाना है इसके ऊपर ये कैप। उससे पहले हम लगाएंगे ये, कुछ इस तरह से जाएगा इसके अंदर। और इसकी कील आती है छोटी सी इसके अंदर से होते हुए कुछ इस तरीके से इस तरफ को निकल जाएगा। ये देखो ये आर पार हो गया। और हम लगाएंगे इसमें कटोरी। तो दोस्तों कहते हैं ना, दिक्कतें जब आती हैं तो बहुत सारी साथ में आती है। तो मेरा ये जो नेट है वो लग नहीं रहा है, तो मुझे नेट फिर से निकालना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि इसके साइज का नेट मुझे दुकानों में कहीं नहीं मिल रहा था। बाकी ये वाला है तो ये छोटा है और ये वाला अच्छे से लग नहीं रहा है, तो मुझे निकालना पड़ेगा। अभी इसमें वेल्ड वर्क है तो खोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरे का हेक्सा ब्लेड से इसको काट देंगे इस तरफ को। तो दोस्तों अभी मैंने दूसरे नेट का जुगाड़ कर लिया है। ये देखो ये हमारे दूसरे कार्बोरेटर का था जो अभी ख़राब हो चुका है, तो इसका नेट जो है हम भी लगाएंगे। ओके लग जाएगा, हाँ लग तो रहा है। तो भी चलो इसको लगाते हैं। बैठो भी साहब, बैठ चलो। तो चलिए पर चलिए ठीक है ना। तो भी चलिए ऐसे ना चल गया। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ कार्बोरेटर लगाने में होती है ग्रिप। तो ये वाला ग्रिप जो था हमारा डैमेज हो गया है, तो एक पेपर की मदद से मैंने सेम ग्रिप बनाया है। ये देखो ये किसी का कार्ड था दुकान का, तो उसी से बना के ऐसे शेप में काट के सेम साइज का मैंने बना रखा है ये। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे करीब 3:30 और जो है ना मैंने कार्बोरेटर मशीन में अच्छे से फिट कर लिया, उसका बाहर का कवर भी फिट कर लिया है। तो हमारा कार्बोरेटर मैं साफ कर करके अच्छे से मैंने लगा लिया है। तो मैंने इसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट मैंने किया नहीं, बाकी पाइप भी बाहर पे खुला रह गया। इसे भी अंदर लगाते ये भी फट गया है, बट कोई नहीं अभी थोड़ा बहुत चल जाएगा ये। स्टार्ट करना लग गया, स्टार्ट करना इससे पहले। अरे यहाँ से वो ये वायर नहीं लगा, वायर ये लाइट का है, ये लाइट का वायर है। तो स्टार्ट करते हैं, पकड़ दो इधर से मशीन। चौक में रख के चलाते हैं। हाँ ये हो गया चौक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फाइनली अभी हमारा ट्रैक्टर घर आ चुका है। एक खेत में इसे बुआई करके आ चुका हूँ अभी मसूर की। बाकी अभी हमारा कार्बोरेटर बिल्कुल मस्त हो गया है। बाकी इसमें से थोड़ा मोबलेल गिर रहा है अभी यहाँ पे, ये पेट्रोल नहीं है मोबलेल ऑयल है, एक्स्ट्रा हो गया था तो अभी इस तरफ से गिर गया वो, चलो कोई नहीं। बाकी हमारा ट्रैक्टर भी ठीक हो चुका है, बट इसका कार्बोरेटर का कोई गारंटी नहीं है अभी, जब तक चलेगा चलेगा, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर इसमें साफ़ सफाई करनी पड़ेगी दोबारा से। और बाकी इसके गियर में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है क्योंकि वायरिंग वगैरह थोड़ा सा ख़राब हो रखी है, इसको थोड़ा सेट करना है। बाकी पूरा ट्रैक्टर भी ठीक है।